कांग्रेस के नेतृत्व वाली नगर पालिका सिवनी का गुरुवार को हुआ साधारण सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बैठक में भाजपा पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोरिया ने नगर में व्याप्त पेयजल समस्या के निराकरण के लिए विचार विमर्श करने का प्रश्न उठाया एवं भाजपा पार्षद गोलू पंडित ने नवीन बबरिया जलावर्धन के ठेकेदार लक्ष्मी सिविल इंटरप्राइजेस कोल्हापुर को 1,92,00,000 का भुगतान किए जाने को लेकर कांग्रेस की परिषद पर सवालिया निशान खड़े किए, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि परिषद में इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गुंडागर्दी करना हमको भी आती है। इसके बाद उपस्थित भाजपा के सभी 9 पार्षदों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक रामजी चंद्रवंशी को ज्ञापन सौंप शफीक खान द्वारा उपयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों को लेकर कार्यवाही करने की मांग की गई। नपा पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने बताया कि सम्मेलन में शफीक खान ने कहा कि सबसे बड़ा गुड़ा में हूँ, जैसा मैं चाहूंगा परिषद वैसे ही चलेगी, उक्त उद्गार उनकी गुंडई प्रवृत्ति के प्रमाण है। वो झूठ बात रखेंगे क्या? आप तरीके से बात रखोगे तो नहीं, तरीके से कौन बात नहीं कर रहा और आप ज्ञानचंद सनोडिया हमेशा तरीके से बात करता है तो सबसे बड़ा गुंडा में जो ज्ञानचंद सनोडिया, ये बात मत करो यार। हाँ मैं सही नहीं, ऐसी बात करना उचित नहीं। आप गुंडागर्दी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे पर्सन। नहीं आप ये तरीका गलत है आपका, ये हम उसको अस्वीकार करते हैं। आप भी ऊंची आवाज में बात करने के तो बहिष्कार करता हूँ और मेरे अनुसार सभी लोगों को बैठक का बहिष्कार करके चलना चाहिए। इस तरीके से बात करो, चलिए चलिए। सभी भाई आपका मानना था कि भाई योजना में भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद आपने इसके सामने पेमेंट करवाया, आपको भी पता है कि भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद आपने पेमेंट शहर के अंदर में जो विकास कार्य हो रहे हैं ना, उसके लिए वादा भरने के लिए आए, जो जाएगा